मेरा नाम ध्रुव राठी है और मैं YouTube पर वीडियोस बनाता हूँ। कह सकते हो मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक्टिविस्ट और जर्नलिज्म की फील्ड में वीडियोस बनाता हूँ। करते हैं, ये जो YouTube चैनल की शुरुआत हुई है कब से हुई है, क्या आइडिया था, क्यों? बिकॉज यू 23 एज फार एज आई नो, कैसे आइडिया है? ये चैनल की शुरुआत जैसे मैंने बताया एक फ्रस्ट्रेशन से थी, ये देखकर कि क्या देश भर में चलने लग रहा है, कितना मीडिया सच को दबा कर रखता है, कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यूट्यूब एक माध्यम था इसमें आने का, इन बातों को पहुंचाने का। आप देख कह सकते हो कि मेरे को इस फील्ड में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था, फिल्म मेकिंग, वीडियो बनाना, तो यूट्यूब, इन दोनों इंटरेस्ट को मैंने कंबाइन किया और यूट्यूब चैनल बनाया। तो किस साल में शुरुआत हुई? 2016 में मैंने प्रॉपरली शुरू किया था, उससे पहले मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था किस टाइप से वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो किस तरह का रिएक्शन, जैसे पहला वीडियो बनाया होगा, अभी तक कितने वीडियोज़ करीब बनाए हैं? अभी तक मेरे 150 वीडियोज़ होने को हो रहे हैं और शुरू में रिएक्शन बहुत क्या कह सकते हो, पोलराइज था। जो लाइक डिसलाइक रेशियो रहती थी वो हाफ हाफ रहती थी। जैसे क्या लोग बोलते थे? लोग बोलते थे नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, ये मतलब दोनों तरफ से काफ़ी वो था। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ में आने लगा है तो मैं कह सकता हूँ लाइक डिसलाइक रेशियो देख के कहा जा सकता है कि लोग ज़्यादा फेवर में हैं, अब लोगों को सच ज़्यादा पसंद है, लोग दूर जा रहे हैं उस टीवी मीडिया के प्रोपेगेंडा से। और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली, जो लोग जिन्होंने अभी तक आपका यूट्यूब नहीं देखा है, जो नहीं ज़्यादा जानते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किन सब, एक दो अगर सब्जेक्ट्स बता पाएँ? किस टाइप के मैं वीडियोस बना, वीडियोस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं? एक जो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं वीडियोस बनाता हूँ वो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं। अगर कोई भी इशू हुआ देश में तो उसमें बेसिकली हुआ क्या है मैं सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करता हूँ, 10 मिनट के अंदर आप पूरा इशू समझ सकते हैं क्या है। जैसे अभी ये CBI वर्सेस CBI चल रहा था इशू, तो इसकी क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सब मैंने 10 मिनट में समराइज़ कर दिया था कि आपको अब पता लग सके क्या हो रहा है। तो एक ये एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ हैं। एक मैं बनाता हूँ उन न्यूज़ के बारे में जो मीडिया में इतनी बात नहीं करी जाती, जिसके बारे में उसको दबाया जाता है। कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जैसे कि फाइनेंस बिल 2017 हो गया, तो ऐसी चीज़ों के बारे में और टाइप के वीडियोस होते हैं। मतलब एक सर्टेन एक प्रोसेस होता है कोई भी स्टोरी करने का, जैसे हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप जब वीडियोस बनाते हैं तो क्या प्रोसेसेस क्या होते हैं, लोगों को कॉल्स करते हैं कहाँ से? क्योंकि अभी जो माहौल है कि अभी आप किस इवन प्रिंटेड वर्ड्स या ऑनलाइन पर किस चीज़ पर भरोसा करें, किस चीज़ पर नहीं करें, क्योंकि फ्लडेड है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या प्रोसेस होता है अपने सब्जेक्ट्स को या स्टोरीज़ को लिखने का, या वीडियो की जो स्क्रिप्ट होती है उसको लिखने का? वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखने का काफ़ी लंबा प्रोसेस है कह सकते हो। मैं कई बार दिन 4-5 दिन भी लगा देता हूँ स्क्रिप्ट को लिखने में, उसकी जो रिसर्च उसमें लगती है। और रिसर्च के वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पर्सपेक्टिव देखे जाएं। अगर एक तरफ ये चीज़ कही जा रही है और दूसरी तरफ कोई और पर्सपेक्टिव है तो दोनों को मैं देखता हूँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ देखने की, और फिर सच जानने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि सही सोर्सेज हों या फिर कहीं उसमें बायस ना हो? यही चीज़ मैं, काफ़ी सोर्सेज ऐसे हैं जो रेप्यूटेबल हैं, जैसे कि जो हमारे टॉप के न्यूज़पेपर्स हो गए, उन्हें मैं कहूँगा थोड़े रेप्यूटेबल सोर्सेज होते हैं वो। अगर वो कुछ लिखते हैं और वही चीज़ 10 जगह और लिखी हुई है तो मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ये सच है। इस बेसिस पे मैं लेकर चलता हूँ। और अगर कोई ऐसी खबर होती है जिस पर क्वेश्चनेबल है तो मैं दूसरी तरफ देखता हूँ क्या लिखा है वहाँ पर, और फिर उससे कंपेयर करके कोशिश करता हूँ जानने की। आखिरी के 2-3 सवाल, एक तो आप कैसे, हाउ डू यू मेक श्योर कि जो आपके पर्सनल बाइसेस हैं, और सभी के पर्सनल बाइसेस होते हैं शायद, वो जो वीडियो है उसमें ना नज़र आए, ये कैसे आप इंश्योर करते हैं? ये मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं कंफर्मेशन बायस को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, उसको कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर का जो बायस है, मेरे खुद के जो ओपिनियंस हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए यहाँ पर फैक्ट्स के। और वो टाइम लगता है उसमें, तो आप इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। शुरू के वीडियोस में ओपिनियन और फैक्ट्स थोड़े मिक्स थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको सेपरेट करने की कोशिश की है। जैसे एग्जांपल, जैसे वीडियो में भी कई बार मैं फैक्ट्स बोलता हूँ तो फैक्ट्स बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ओपिनियन बोल रहा हूँ मैं अपना तो ऊपर मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ कि ओपिनियन है, #ओपिनियन। इससे क्लियर डिस्टिंक्शन बन जाता है कि अच्छा ये फैक्ट्स हैं और ये बंदे का ओपिनियन है। आपका कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है या फिर क्या बायसेस हैं आपके? मैं कहूँगा पॉलिटिकली आई एम अ सेंट्रिस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे राइट विंग की पसंद है, कुछ चीज़ें लेफ्ट विंग की पसंद है जिससे मैं एग्री करता हूँ, और लिबरल साइड। आखिरी सवाल हिंदी में, शुरुआत में जो कमेंट्स आए, अभी किस तरह के कमेंट्स आते हैं, किस तरह का रिएक्शंस आते हैं, लोग क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि क्या जो पर्पस से आप कर रहे हैं वो एक समझ आई है लोगों में? हर टाइप के कमेंट्स आते हैं, अभी देश में बहुत लोग हैं देखने वाले, तो आप जो जो सोच सकते हैं उस टाइप के कमेंट्स आते हैं। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि
आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी मिलती हैं, मेरे पेरेंट्स को रोज़ याद किया जाता है कमेंट्स में, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि अच्छा सर आपने बहुत अच्छा किया है बता के, मेरा आपके कुछ वीडियोस देखने के बाद ओपिनियन बदल गया है, मैं काफ़ी सीखने लगा हूँ, खुद से रिसर्च करने लगा हूँ, तो ऐसे भी कमेंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। सबसे सक्सेसफुल वीडियो रहा है अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मैंने बनाया था, और मुझे लगता है ये सक्सेसफुल होने का रीज़न ये था कि लोगों को ये पसंद नहीं आया कि सरकार ने यहाँ पे 3,000 करोड़ एक स्टैचू पे वेस्ट कर दिए हैं, उससे अच्छा सरकार इसको हमारी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में कहीं इस्तेमाल करती। मुझे लगता है ये रीज़न था कि वो वीडियो इतना सक्सेसफुल गया था। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू? फेक न्यूज़ से निपटने के लिए अपने कन्फर्मेशन बायसेस को देखो। अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको एक एक्टिव पार्ट प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के बैठ जाऊँ, अच्छा न्यूज़ सुनाई जा रही है, जो वो बोल रहे हैं मैं उस पर यकीन कर लूँ। अब आपको एक एक्टिव ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, यहाँ पे खुद वेरीफाई करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर कुछ सुनते हो तो गूगल पे सर्च कर लो उसे एक बारी, उसमें कितना सच है कितना झूठ है।